नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज की, और इस सीरीज की ये 15th वीडियो है, 15वीं वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखें या देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आपकी UPSC हो, स्टेट PCS हो, SSCs हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस का क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग 10 MCQ क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर कितना हो रहा है आउट ऑफ 10 वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर लिनियस पॉलिंग, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कॉच या लुइस पाश्चर, ठीक है। तो ये बहुत मिलते जुलते नाम है, लेकिन जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी ये आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे और ये लगभग 19th सेंचुरी के बहुत बड़े सर्जन थे उस समय में, और ये पायनियर थे एंटीसेप्टिक सर्जरी के, और इनका जो योगदान रहा है मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने उस समय से ये जो टेक्नोलॉजी थी एंटीसेप्टिक सर्जरी वाली, ठीक है, क्योंकि जब भी सर्जरी होता है इन्फेक्शन का बहुत बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो ये जो डिस्कवर किया था इन्होंने, यही थे जोसेफ लेस्टर, ठीक है। एंड हिज रिसर्च इनटू बैक्टीरियोलॉजी एंड इन्फेक्शन इन ऊंट, है ना। तो जो इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा था उस समय में ये टेक्निक जो थी ये इन्होंने ही डिस्कवर की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे कि विच अमोंग द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ऑप्शन आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नियोन, ठीक है। तो वनस्पति घी जो हम लोग कह रहे हैं, ये एक्चुअल में जो घी है, जो देसी घी हम लोग कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। ये जो है वनस्पति घी, इसको हम लोग आम भाषा में डालडा भी कहते हैं, ठीक है। जो वाइट कलर का होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठंडियों में वो काफ़ी जम जाता है, जो थोड़ी बहुत चीप क्वालिटी का भी माना जाता है और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर आप बहुत ज़्यादा डेली कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नियोन? तो इसमें यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एक अनसेचुरेटेड हमारा वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं। तो जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और उसमें कुछ कैटलिस्ट भी होता है, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ऐसे कैटलिस्ट यूज करते हैं और उनको जो है वेजिटेबल घी या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल से क्या होगा, वेजिटेबल घी, जब वनस्पति घी जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमें कम से कम लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारा ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल BDL जो होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और उसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो होता है वनस्पति घी वो चीपर होता है, ठीक है, बटर घी के, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पर मूव करेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, ठीक है। हमें ऑड वन मेनली फाइंड आउट करना है, फिश, क्रैब, प्रॉन्स या फिर स्नेल। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो फिश जो है, फिश भी खाया जाता है, क्रैब भी खाया जाता है, प्रॉन भी खाया जाता है, लेकिन स्नेल सोचेंगे कि, तो अगर उस तरह से सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बायोलॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्रैब्स, प्रॉन और स्नेल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के कैटेगरी में आते हैं, फिश जो है वर्टिब्रेट्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसीलिए
जो डिफरेंट होगा, ऑड वन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिश, फिश जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, गाय, भैंस, शेर, बकरी वकरी, जिसके पास में आपको कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। लेकिन इन वर्टिब्रेट्स में ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं क्रैब्स हो गया, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, कॉकरोचेस, प्रॉन्स, स्नेल, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फिश विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मूव करेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज हैज द मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड कंपेयरिंग टू द अदर्स अदर वंस। ऑप्शंस आर चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स या मम्प्स। तो सबसे पहले तो पढ़ना समझना पड़ेगा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है जब आपको कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन से पहला इंटरेक्शन हुआ है आपके ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो पहला इंटरेक्शन विद द पैथोजन, और जब सिम्टम्स या उसका सिंड्रोम्स आने लगते हैं, ठीक है, जब सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उस टाइम पीरियड को मेनली इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जब आप हम लोग कोरोना के समय में देख रहे थे कि इन्फेक्शन कब हो रहा था और फिर उसके सिम्टम्स कब आ रहे थे, बहुत सारे केस में सिम्टम्स भी नहीं आते, एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, हम लोग को वायरस इन्फेक्ट जो होता है, वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं लेकिन सिम्टम्स आते हैं, किसी में नहीं आता है, तो इस पीरियड को ही मेनली इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इनमें से सबसे मिनिमम किसका होगा इंक्यूबेशन पीरियड, तो सबसे कम जो होगा वो हमारा इन्फ्लुएंजा के लिए होगा। और ये चारों जो बीमारी है बेसिकली वायरल बीमारी है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा का मेनली कॉमन कोल्ड होता है उसको, तो 1 से 2 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी जितने भी बीमारियां, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मॉम्स, इन सब में 6 से 15 दिन, 2 हफ्ते लगभग लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं। ये सब एग्जाम्पल, हर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके साथ में 2-3 बीमारियां एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया। टाइफॉइड निमोनिया तो आपको याद रह ही सकता है। वायरल बीमारी जो है, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स, मिजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब हो गया हमारे वायरल बीमारी। ठीक है, फंगल कैंडियासिस, फिर एथलीट्स फुट, ये सब जो होगा फंगल रिंग वॉर्म टाइप्स का जो हो जाता है हमारे स्कैल्प में, या जहाँ पर एथलीट फुट्स पहले भी बता चुका हूँ, जब ये स्वेटिंग के कारण ज़्यादातर होता है। फिर प्रोटोजोअन डिजीज, जैसे कि मलेरिया हो गया, एमोबियासिस हो गया, ठीक है, कालाजार हो गया, ये सब जो है, फिर स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोअन डिजीज है। फिर और भी कुछ कुछ जो हेलमेंटिक डिजीज है, जैसे कि एस्केरियसिस या फिलेरियासिस, इसको एलिफेंटेसिस भी कहा जाता है, जिसमें ह्यूमन का जो पैर होता है वो हाथी जैसा पैर लगने लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे मूव कर देंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स आर ऑफ अदर मेटल इन ए 17 कैरेट गोल्ड। 3, 5, 7, 9। ऑप्शन तो आप आंसर तो देख ही चुके होंगे, 7। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आप जानते हैं जो गोल्ड होता है, ये जो जिसको कॉमनली गोल्ड बिस्किट्स कहा जाता है, ये जो होता है बेसिकली 24 कैरेट जो होता है, 24 कैरेट जो होता है वो सबसे प्योर गोल्ड कहा जाता है। उसमें क्या होता है, लगभग 99% गोल्ड होता है और 1% जो है उसमें मिक्स किया जाता है अदर मेटल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड किया जाता है, तो ज्यादा फॉर 24 कैरेट का ज्वेलरीज नहीं बनता है। ज्यादातर जो ज्वेलरीज बनते हैं वो 22 कैरेट्स के बनते हैं, कुछ 18 कैरेट्स के बनते हैं, कुछ 14 कैरेट्स के बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 22 कैरेट्स, 18 कैरेट, 14 कैरेट्स? तो अगर 22 कैरेट्स का हम देखा जाए तो उसका मतलब है कि 24 में से 22 पार्ट जो होगा वो गोल्ड होगा, बाकी जो 2 पार्ट होगा वो कुछ अदर मेटल होगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि 22% कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड रहता है।
ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे तो 91% के आसपास कुछ आएगा। फिर जो 18 कैरेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो आउट ऑफ 24 कैरेट्स 18 कैरेट जो है वो गोल्ड है, बाकी का जो 6 है वो कुछ अदर मेटल है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें लगभग 75% गोल्ड का कंसेंट्रेशन है, 14 में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब, यही था कि कितना कैरेट अदर मेटल है, तो 7 टोटल जो होता है वो 24 कैरेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे कि लीनियर मोमेंटम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, यूनिट्स पूछा गया है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो है इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका कुछ मास हो और वो मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी पे, तो उसको मेनली लीनियर मोमेंटम कहा जा रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है जिसको पी से डिनोट किया जाता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास का जो ऐसा यूनिट है वो है केजी, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बन गया मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे यूनिट्स भी फिजिक्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल कब, ये भी फिजिक्स का ही है कि टू वेक्टर्स इक्वल कब कहा जाएगा। ऑप्शंस ये है कि दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट्स, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अटैच किए 3, तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। यहाँ पर 3 अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है जहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, दो वेक्टर्स हैं उसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो इस केस में क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, तो नहीं, इस केस में नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डायरेक्शन दोनों का अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, तो ये भी नहीं है। तीसरा जो केस है इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, उनको मेनली इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन अगर सेम होगी तभी हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहेंगे दो वेक्टर्स को। ठीक है, तो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर को इनिशियल वेक्टर किसी को आ जाता है, जब उस दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है तब उसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, अबाउट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन डीआइसिंग ऑफ रोडवेज ड्यूरिंग द स्नोफॉल, इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। नॉट करेक्ट चूज करना है, तो क्या ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया था, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव खाने होने में हम लोग यूज करते हैं, अचार वगैरह में सब में यूज होता है, फिर वो डीआइसिंग करने में भी हेल्प करता है, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है कैनेडा रशिया वगैरह में, तो डीआइसिंग के लिए नमक छिटका जाता है रोड्स पे कार्स पे ताकि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और बर्फ हट जाए। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, यस कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसे कहा जाता है। इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा सही आंसर होगा, कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये नहीं है, NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें क्या है, Na+ और Cl-, Na+ जो है हमारा मेटल है, ये कैटायन है ना, ये मेटल आयन है, और क्लोराइड आयन जो है ये हमारा एनायन है और ये नॉन मेटल होता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मेनली आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, अगर रेडियस हम लोग बढ़ा दे रहे हैं सैटेलाइट का, ठीक है, ये अर्थ मान लेते हैं और ये पहला रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है, अगर रेडियस को हम लोग बढ़ा देते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑफ अ सैटेलाइट किस तरह से चेंज होगा, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, इट्स रिमेन द सेम या नन अदर। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो IIT वगैरह कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर बस आपको बस याद रखना है कि इस सब केस में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो मेनली सैटेलाइट को जिस भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सकता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ सकता है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो इन्फिनिटी पॉइंट पर चल जाएगा तो क्या होता है, एनर्जी एकदम ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन रेडियस, अगर इन रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बस आपको इनवर्स रिलेशन समझना कि एनर्जी जो होता है उसका रेडियस से वो इनवर्सली रिलेटेड है और मास से क्या होता है वो पॉजिटिव डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, मास से डायरेक्टली रिलेशन है लेकिन रेडियस से जो है इनवर्स रिलेशन, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे देखते हैं कि व्हाट इज कश्मीरी विलो रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इरिगेशन टेक्निक, न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, डेसीडियस ट्री या इन्वेसिव वीट। ठीक है, तो फोटो से पता चल गया होगा, बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा, बैट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है कश्मीरी विलो, तो एक पेड़ है। ठीक है, और ये किस टाइप का पेड़ है, तो डेसीडियस पेड़ है। डेसीडियस पेड़ का मतलब है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब ये अपना पत्ता जो होता है वो छोड़ देता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब ड्राई पीरियड होता है, तो पानी को कंजर्व करने के लिए ये अपने पत्ते को गिरा देता है। अगर पत्ता रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन होगा तो सारा पेड़ का जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लांट के पास कुछ पानी नहीं बचेगा और वो अल्टीमेटली मर जाएगा। इसीलिए क्या करता है वो, एडाप्टिव टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है अपने पत्ते को ही गिरा देता है, और पत्ता ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो पानी कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये लगभग 30 मीटर का होता है मैच्योर जब हो जाता है, 20 से 25 साल लगता है मैच्योर होने में। और विलो जो है ये कहाँ कहाँ होता है, तो दो आपने सुना होगा विलो, एक होता है इंग्लिश विलो और दूसरा कश्मीर विलो। इंग्लिश विलो इंग्लैंड में ग्रो करता है, तो ब्रिटिशर्स लोग ही इंग्लैंड से ये कश्मीर रीजन में यूज करते हैं, और ये बैट्स बनाने के लिए पैकेजिंग, बास्केटरी, फर्नीचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, विलोज आर ऑल्सो एफिशियंट इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी एंड एग्जिबिटिंग हाई इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट्स, ये कुछ कुछ फीचर्स हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ही हमारे जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका आउट ऑफ 10 कितना स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, एक नया हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा बिहार करेंट अफेयर्स का। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बिहार के जितने भी करेंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 1 सालों में, जो आपके 70th BPSC एग्जाम में आएगा, वो सब कुछ मैं उसमें डील करूंगा। और वो वीडियो सीरीज जो होगा वो मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।